नमस्कार। आलोक वर्मा जो सीबीआई के चीफ थे, उन्हें भारत सरकार ने हटा दिया था, छुट्टी पर भेज दिया था। जो कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कल कि आप अपने पद पर बने रहोगे। लेकिन देखिए तानाशाही, देखिए हिटलर शाही, देखिए सरकार की अपनी मंशा। उन्होंने आज अपने घर में बैठक कर पीएम मोदी ने फिर से उन्हें हटाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। तीन व्यक्ति की कमिटी होती है जिसमें एक कांग्रेस के, विपक्ष के लोग खड़गे थे, एक जस्टिस थे और खुद थे। खड़गे ने विरोध किया, जस्टिस और मोदी जी ने 2-1 के समीकरण के हिसाब से उन्हें उनके पद से हटाकर दूसरे विभाग में भेज दिया गया। आखिर क्यों, क्या हड़बड़ी थी? आलोक वर्मा चीफ थे, उन्हें पहले हटाया गया, रातों रात फिर हटा दिया गया। ये भारत के जनता को जानना जरूरी है, भारत के जनता को मानना होगा कि प्रधानमंत्री की बातों में नहीं चलोगे तो कोर्ट के आदेश होने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। ये डर है, ये भय है, दिखाया जाता है कि मैं जो कहूं वही सही है। कोर्ट के गरिमा को धूमिल कर दी गई, कोर्ट के गरिमा को खत्म कर दी गई, सीबीआई को खत्म कर दिया गया। एक ही शो चल रहा है, वन मैन शो, मोदी इज ए हिटलर, मोदी का शो चल रहा है। भारत के जनता को भी मोदी का शो देखना होगा, अन्यथा कोर्ट के तरह और सीबीआई चीफ के तरह उठाकर फेंक दिया जाएगा। मोदी ही मोदी करना होगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, वरना आप नहीं रह सकते भारत में। आम जनता को भी डरना होगा और सारे पदों पर रहने वाले को डरना होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।